सांबा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। शक्ति प्रदर्शन करते हुए बीजेपी उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलाथिया सांबा बस स्टैंड से जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भारी समर्थकों के बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से संवाद किया और भाजपा के विकासात्मक एजेंडे को प्रस्तुत किया। प्रचार के दौरान धामी ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भाजपा की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से समर्थन की अपील की। पुष्टिकरण की वो बढ़ाने वाला है जो कांग्रेस पहले से करते आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अग्रवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को यहाँ जो 3 दशकों तक उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, जिस प्रकार आज भी जो है पाकिस्तान के साथ वार्ता करके व्यापार शुरू करने की बात कर रहे हैं, हिंदू जो हमारे शंकराचार्य पर्वत से लेकर अनेक स्थान उनका नाम बदलने की बात कर रहे हैं, अलगाववादी आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात कर रहे हैं, तुष्टिकरण की बात है। देश की जनता चाहे जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोगों का बड़ा समर्थन यहाँ पर अभी सांबा विधानसभा के अंदर मिल रहा है और यहाँ डबल इंजन की लोग सरकार चाहते हैं। मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में के लोगों की खिदमत कर सकूँ, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। देखिए आज जो मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है यहाँ, तो एक रैली की शक्ल में लोग जो है घरों से निकले थे और उन्होंने यहाँ स्वागत किया। मैं सांबा की कंस्टिट्यूंसी के लोगों का और ख़ास करके जो भी यहाँ इस रैली में शामिल हुए, मैं उनका सबका आभार करता हूँ कि उन्होंने इस भीषण गर्मी में सुबह से लेके 2 बजे तक मेरे साथ चलते रहे। मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। देखिए मेरा जो करियर है, मैं एक वर्कर की हैसियत से पिछले 40 साल में मैं लोगों की खिदमत में हूँ। लोग मुझे जानते हैं कि मेरा काम करने का तरीका जानते हैं, उसी बिना पे लोगों को एक होप आई है कि अगर आज ये कंस्टिट्यूंसी जो है वो जर्नल हुई, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। मैं उन उम्मीदों में खरा उतरने की कोशिश करूँगा और जो लोगों की तवक्कोआत है उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा।